नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पीस पार्टी किसान बिल का विरोध करती है, जिस तरह से किसान विरोध करते हैं और किसानों के समर्थन में पीस पार्टी है, और चूंकि जो बिल दिया है और जो अभी सरकार का कार्यक्रम किसानों के जो उपज है खरीदने में है, मैं समझता हूँ कि कहने करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। 1850 के करीब धान का खरीद का कीमत रखा है सरकार ने, मगर आज कहीं भी देख लें हर किसान उसे 1000 या 900 950 पर क्विंटल बेचने के लिए मजबूर है। सरकार ये कह रही है कि फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, मगर उसके खिलाफ काम कर रही है, उसको अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि किसान का उपज दूना करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था, मैं समझता हूँ कि उपज की कीमत भूसे देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और इसलिए पीस पार्टी सरकार के इस रवैये की विरोध करती है और किसानों का समर्थन करती है। देश के तमाम राज्यों में किसान लगातार धरना दे रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस वाटर कैनन का प्रयोग करे, लाठी चार्ज भी करे, फिर भी किसान डटे हैं। पीस पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, पीस पार्टी मानती है कि सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि सरकार की गलत नीतियों की जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनका ये सरकार दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, और जो लोकतंत्र की नैतिक जो आधार है उस पर आघात कर रही है। जिसे मैंने ही विरोध किया था सरकार की गलत नीतियों का, तो हमें गलत मुकदमे में NSC हमारे पर लगाया गया, ताकि कोर्ट ने हमें छोड़ दिया है। तो मैं समझता हूँ इसी तरह से अपने ये सरकार बिल्कुल अहंकारी हो गई है, ये अपने नीतियों का विरोध करने वालों का दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। क्योंकि किसान अपने मांग पर अड़े हैं, उनकी समस्याओं को समाधान करने के बजाय ये सरकार उनके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। इस पार्टी इसका सख्त विरोध करती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटिजन न्यूज के साथ। नमस्कार।